हेलो एंड वेलकम चेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं अंकित। कुछ ज्यादा ही मशरूफ हो गया हूं मेरे इस फैंसी नए फोटोग्राफी एक्सेसरी के साथ, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उसके पहले आज टेक गुरु पर अभिषेक और मैंने छेड़ दिया है महंगाई मुक्ति मोर्चा। और महंगाई मुक्ति मोर्चा में जो कस के निचोड़ के नतीजे हमने निकाले हैं, उस अमृत धारा का स्वाद आप चखने वाले हैं। अमृत धारा तो वो पेट ठीक करने वाली दवाई एक आती है। एनीवे, आज के टेक गुरु में जो अमृत धारा नहीं सॉरी जो गैजेट की धारा है उसमें जो हमने मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और कैमरा निकाले हैं 2000 से कम की प्राइस रेंज में, मोबाइल फोन 7000 से कम के प्राइस रेंज में, टैबलेट कंप्यूटर्स और सिर्फ 5000 के डिजी कैम्स। लेकिन इन सारी महंगाई से राहत देने वाली चीजों से पहले एक ऐसे गैजेट की बात करते हैं जो आपको पता नहीं कितने लोन निकालने पड़ेंगे खरीदने के लिए। पिछले हफ्ते दुनिया का मोस्ट एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन सैमसंग का लेटेस्ट गैलेक्सी 4 न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ। एंड ऑफ कोर्स टेक गुरु लेके आया है आपके लिए तमाम डिटेल्स क्या क्या है गैलेक्सी S4 में। लेट्स टेक अ लुक। गैलेक्सी S4 दिखने के मामले में बिल्कुल गैलेक्सी S3 जैसा ही दिखता है, बस ये थोड़ा और ज्यादा स्लिम डिजाइन वाला है। स्क्रीन साइज भी जरा सी बढ़ाकर 5 इंच की कर दी गई है, पर गैलेक्सी S4 की स्क्रीन फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है और गजब की क्लियर है। गैलेक्सी S4 में 1.9 GHz का ऑक्टा कोर यानी 8 कोर वाला प्रोसेसर दिया हुआ है, जिससे आप मल्टीटास्किंग, 3D गेमिंग आसानी से कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए गैलेक्सी S4 में 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है। गैलेक्सी S4 के कैमरे में डुअल शॉट नाम का एक यूनिक फीचर भी है, जिसकी मदद से आप पीछे और आगे दोनों कैमरे एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही गैलेक्सी S4 की टच स्क्रीन को आप बगैर छुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट स्क्रोल और एयर जेस्चर फीचर्स की मदद से। इसके अलावा S4 अपने आप जान लेता है कि जब आप स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे हैं तो चलता हुआ वीडियो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। अंकित, वो रूमर सुनी गया कि सैमसंग गैलेक्सी S4 इंडिया में लॉन्च होगा और उसका प्राइस होगा 45,000 के ऊपर। अगर सैमसंग ने गैलेक्सी S4 की कीमत रखी तो बोरिया बिस्तर बंद करके वापस साउथ कोरिया जाना पड़ेगा, जो उसे करने की कोई चाहत नहीं है। तो ऑब्वियसली 40-45 का होगा। इनफैक्ट HTC One जो इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है, ऑलरेडी कोई वेबसाइट लगभग 45,000-50,000 रुपए में ये बेच रही हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स ले रही हैं। बट बिफोर वी कम टू द प्राइस, हार्डवेयर एंड डिजाइन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है सैमसंग गैलेक्सी S4 में जिसे देखकर अभिषेक एंड आई एंड द एंटायर टेक गुरु एंड द गीक कम्युनिटी वेंट वाओ। उसके अंदर कोई रेवोल्यूशनरी फीचर नहीं डाला है, सिर्फ वो कहते हैं ना कि 8 मेगापिक्सल कैमरा था तो चलो बढ़ा के 12 मेगापिक्सल कर दो, क्वाड कोर था तो चलो ऑक्टा कोर कर दो, जिसमें से 4 कोर जो है, वो जो ऑक्टा कोर वाला जो है वो हर वक्त काम नहीं करने वाले हैं। ये तो वही बात होगी ना अभिषेक कि आपने लैम्बोर्गिनी एंड फरारी की गाड़ी तो ले ली, लेकिन सड़कें कहाँ मुंबई में, मतलब पॉटहोल गड्ढों में कहाँ, क्या 40 के ऊपर स्पीड पे चला पाओगे आप? वही इकोसिस्टम है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर तो आ गया लेकिन आपके एप्स है नहीं जो उसका फायदा उठा पाएंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूज्ड अभी इकोसिस्टम है। सैमसंग और एप्पल एक दूसरे को मतलब आउटडू करने की कोशिश में, बिल्कुल जो अनाप शनाप फीचर्स हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस आपको दे रहे हैं, जिसके रत्ती भर भी जरूरत नहीं है आपको अपनी जिंदगी में। दिस इज अ फिनिश टू द बॉटम। ठीक है, और फिनिश से मुझे कुछ ध्यान आया कि एक फिनिश कंपनी अपने कमबैक करने के लिए काफी जोर तोड़ लगा रही है। लुमिया 920, बात हो रही है नोकिया की बाय द वे, लुमिया 920 इन्होंने थोड़े से महंगे प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था, पर उन्होंने गलती सुधार ली है। आज ही इनफैक्ट अभी फ्रेश ओवन फ्रेश आ रहा है लुमिया 520, 10,000 कुछ होता है एक स्मार्टफोन के लिए, 10,500 रुपए में दिस फैंटास्टिक लुकिंग हैंडसेट, 1 GHz डुअल कोर प्रोसेसर, 5 MP का कैमरा, हालांकि इसमें फ्लैश नहीं है। वो तमाम खूबसूरत कैमरा एप्लीकेशन जो 820, 920 जैसे प्रीमियम फोन्स पे चलते हैं, विंडोज फोन 8, व्हाट्सएप अब लॉन्च हो गया है,
एंड ऑफ कोर्स नोकिया के जो किलर म्यूजिक और नेविगेशन के एप्लीकेशंस है, इन तमाम चीजों से लुमिया 520 4 इंच की टच स्क्रीन वाला बिकम्स अ वेरी वेरी ऑसम कॉम्बिनेशन। और अंकित, विंडोज फोन 8 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी सबसे बढ़िया खूबी ये है कि 30,000 का स्मार्टफोन हो या फिर 10,000 का, सब पे एक्सपीरियंस एक जैसा होता है। और यहां पर एक सवाल मैं सब लोगों से आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 10,000 रुपए में माइक्रोमैक्स फोन बेच रहा है और 10,000 रुपए में नोकिया आपने लुमिया सीरीज के फोन बेच रहा है, तो आप माइक्रोमैक्स के पास जाओगे या नोकिया के पास? भाई ये आप बताइए facebook.com/techguruawaaz पर जाकर, या फिर हमारे ट्विटर हैंडल्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर हमें जवाब दे दीजिए। इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा क्योंकि टेक गुरु पर जो महंगाई मुक्ति मोर्चा अभिषेक और मैंने छेड़ा हुआ है, आपके जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बचे रहे चिदंबरम साहब के मोबाइल फोन्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद, इसका खुलासा होगा थोड़ी देर में। कम राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। इसी हफ्ते ईबे इंडिया ने 2012 का उनका सेंसस रिपोर्ट, यानी पिछले एक साल में तमाम भारत के नेटिजन्स ने क्या क्या चीजें शॉपिंग की ईबे पे, उसका खुलासा किया। और उसमें वन ऑफ द टॉप 5 प्रोडक्ट्स में टैबलेट पीसी पहली बार देखने मिला। और ऑब्वियसली जायज है क्योंकि इतने सस्ते टैबलेट्स आने लगे हैं, अलग अलग साइजेस में आने लगे, हर ब्रांड के आने लगे हैं, तो जायज है आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो डेफिनेटली होगा कि कौन सा टैबलेट खरीदना चाहिए। सारी मेहनत हमने की है ना, इनफैक्ट अभिषेक ने की है दिन रात मेहनत करके। सुप्रभात, ब्रांड न्यू हफ्ता, ब्रांड न्यू डे शुरू हो गया है और आज सोमवार की शुरुआत तो सुबह हो गई मामू इस गाने से करेंगे। नाम तो पहले कभी सुना नहीं पर अच्छा लग सकता है। दिन की शुरुआत होगी स्वाइप के 3D टैबलेट के साथ। नाम तो पहले बहुत ज्यादा सुना नहीं है पर देखते हैं कि आखिर ये टैबलेट कंप्यूटर कैसा है। ₹4,500 की कीमत है स्वाइप 3D लाइफ प्लस टैबलेट की। एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच वर्जन पर ये जनाब चलते हैं। 7 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला ये टैबलेट 1.5 GHz के प्रोसेसर के साथ आता है। 4 GB इंटरनल मेमोरी है जिसे 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। अब देखते हैं कि स्वाइप 3D लाइफ प्लस मेरी लाइफ को कितना आसान बनाता है। दिन की शुरुआत अच्छे से हो इसके लिए जरूरी है आपके गैजेट्स अच्छे से रिस्पॉन्स करें। टैबलेट थोड़ा बहुत तो फास्ट होना ही चाहिए बट स्वाइप का 3D लाइफ प्लस टैबलेट इतना ज़्यादा स्लो है कि इसमें लैग है पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप और लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट में, बीच में एकदम ब्लैक आ जाता है और इतना स्क्रीन लैग आपके मूड को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। स्वाइप के मुताबिक उसका टैबलेट 5-point मल्टी टच सपोर्ट करता है पर सॉरी ये टैबलेट बड़ा स्लो है। सुबह सुबह मेरी सुस्ती तो दूर भाग गई बट आई होप कि स्वाइप लाइफ टैब की सुस्ती ऑफिस पहुंचने तक चली जाएगी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑफिस में मेरा साथ देने के लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो ईमेल्स, डॉक्यूमेंटेशन और सोशल नेटवर्किंग इन सब में मेरा साथ तेजी से दे सके। स्वाइप लाइफ टैब में कुछ प्रीलोडेड ऑफिस एप्स आते हैं जो अच्छे हैं पर एक बार फिर काम बिगाड़ा स्वाइप की सुस्ती ने। आफ्टरनून ब्रेक में अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैंने चुना टेनिस का एक गेम। टेनिस के फास्ट मूव्स यहाँ काम नहीं आ रहे हैं। थकी हुई टच स्क्रीन के साथ जीतने की उम्मीद करना बेवकूफी होगा। दिन भर की थकान के बाद एंटरटेनमेंट की लोज लेना बेहद जरूरी है और अपनी बैटरी को दोबारा रिचार्ज करने के लिए वक्का वक्का की जरूरत पड़ी। इसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, व्यूइंग एंगल्स बहुत ख़राब हैं और सबसे बड़ी कमी वो ये कि इसका साउंड इतना धीमा है। ये फुल वॉल्यूम है, कुछ सुनाई आ रहा है आपको? नॉट इम्प्रेस्ड। स्वाइप लाइफ टैब जितना सस्ता है उतना ही स्लो है। टच स्क्रीन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं और मल्टीमीडिया फीचर्स भी कुछ खास नहीं। इसकी कमियों को दिन भर से झेल झेल कर मेरी बैटरी तो डाउन हो गई है, साथ में स्वाइप टैब की बैटरी ने भी काफ़ी पहले साथ छोड़ दिया। मंगलवार के इस ब्रांड न्यू सवेरे आपकी मॉर्निंग मंगल मंगल बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। जग जाओ मोहन प्यारे। सिंग डुअल डबल पाव।
आई होप कि जिंक के इस टैबलेट में डुअल पावर दी है, डुअल प्रोसेसर है, इसका परफॉर्मेंस स्वाइप के टैबलेट से थोड़ा बेहतर होगा। लेट्स सी। जिंक डुअल 7 नाम से ही डबल पावर वाला लगता है। 7 इंच की कैपेसिटिव स्क्रीन वाला ये टैबलेट कंप्यूटर एंड्रॉइड 4.1 आइसक्रीम सैंडविच वर्जन पर चलता है। इसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर और क्वाड कोर जीपीयू दिया गया है। जिंक डुअल 7 मिनी एचडीएमआई पोर्ट के साथ आता है। इसके दाम है 6,000 रुपए। जिंक डुअल 7 की टच स्क्रीन काफी रिस्पॉन्सिव लगी। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में लैग बिल्कुल नहीं था, ना ही स्क्रीन ओरिएंटेशन में कोई लैग था। स्वाइप के टैबलेट के मुकाबले जिंक का डुअल टैप 7 काफी फास्ट है और इसका सीधा एग्जांपल ये है कि लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में कुछ भी लैग नहीं है, फटाफट होता है, और वो बीच में जो ब्लैक स्क्रीन स्वाइप के टैबलेट में आती थी वो इसमें नहीं आती। और इसका कारण हो सकता है जिंक के टैबलेट में डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है। अब ये डुअल कोर प्रोसेसर आज के दिन मेरी लाइफ को कितना फास्ट बनाता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जिंक डुअल 7 का फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा रहा, आई होप कि ऑफिस में भी ये मेरा साथ अच्छे से देगा। जिंक डुअल 7 में कुछ प्रीलोडेड ऑफिस एप्स हैं जिसकी मदद से डॉक्यूमेंटेशन आसानी से की जा सकती है। पर जिंक डुअल 7 की सबसे बड़ी कमी इसके कनेक्टिविटी इश्यूज। कि मैं पिछले 10 मिनट से अपने आईफोन की मदद से इस पर वाईफाई देने की कोशिश कर रहा हूं पर डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। ब्रेक के दौरान भूख लगी तो फ्रूट निंजा खेलकर दिल बहलाया। गेम पुराना जरूर है पर टच स्क्रीन के रिस्पॉन्स को परखने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं। नॉर्मल यूजर्स में टच स्क्रीन ने जहां बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो फ्रूट निंजा मोड में जिंक थोड़ा मूडी हो गया। जिंक टैप की टच स्क्रीन अच्छी तो है पर कई बार इसका मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है जिसके कारण से कई बार रफ टच करने के बाद रजिस्टर होता है टच। बट ओवरऑल इसकी टच स्क्रीन को बोला जाएगा मूडी क्योंकि यहाँ पर हो गया गेम ओवर। ऑफिस के बाद अब दिमाग को रिफ्रेश करने की जरूरत है। जिंक डुअल 7 के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। हालांकि कलर थोड़े वॉश्ड आउट जरूर नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर पर सबसे बड़ी खूबी की साउंड काफी अच्छा है। पर वो कहते हैं ना चांद में भी दाग होते हैं तो 6000 के इस टैबलेट ने इम्प्रेस किया। आम इस्तेमाल के लिए टच स्क्रीन बढ़िया है पर क्वाड कोर जीपीयू बस नाम का लगा। एंटरटेनमेंट के लिए भी डिवाइस अच्छा है। अब वक्त है गुड नाइट का पर जिंक डुअल 7 20% बैटरी के साथ अब भी जगा हुआ है। It's Wednesday morning, weekend के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। Get up and go. Carbon Smart Tab 8, साइज में थोड़ा बड़ा है, क्या फीचर्स में भी बड़ा होगा? Carbon का Smart Tab 8 फॉर्म फैक्टर में तो थोड़ा अलग है पर क्या इसकी परफॉर्मेंस बाकी दोनों टैबलेट से अच्छी होगी? Let's see. फर्स्ट इंप्रेशन में कार्बन स्मार्ट टैब 8 आईपैड मिनी का कोई भाई भतीजा लगता है। बस दाम में आईपैड मिनी के आधे का भी आधा है, सिर्फ 7,000 रुपए का। 8 इंच की स्क्रीन, 1.5 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर प्रोसेसर, 1 GB रैम, 3 MP कैमरा और एंड्रॉइड का लेटेस्ट जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम। कार्बन स्मार्ट टैब इज ऑल सेट टू इम्प्रेस मी। 8 इंच का साइज और कार्बन स्मार्ट टैब का फॉर्म फैक्टर काफी अच्छा है। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किसी भी मोड में परफेक्ट स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है टच स्क्रीन से खेलने के लिए। ये दिखने में काफी हैंडी लगता है, जब आप इसको हाथ में लेते हैं ना सच में बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी चीज ये कि इसका जो पूरा यूजर इंटरफेस है, जो यूआई है, वो काफी इंट्यूटिव है, फ्यूचरिस्टिक लगता है। इन शॉर्ट मुझे लगता है कि कार्बन स्मार्ट टैब 8 की वजह से आज का दिन शायद ज्यादा बेहतर गुजरे। अब वक्त है काम धंधे पर निकलने का एंड आई होप कि वेडनेसडे का दिन मंडे ट्यूसडे से बेटर होगा। कार्बन ने इस टैब के डिजाइन में एक अच्छी बात की है कि सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स एक ही तरफ दिए हैं जिससे मेरे जैसे यूजर्स को कम कंफ्यूजन हो। अच्छी टच स्क्रीन होने के ढेर सारे फायदे हैं जिनमें से एक ये है कि फ्लिपबोर्ड जैसे एप्स काफी अच्छे नजर आते हैं इस तरीके की टच स्क्रीन पर।
दोपहर तक कार्बन ने इतना इंप्रेस किया कि इस पर मैंने सबवे सर्फर का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट खेलने का मूड बनाया। कार्बन स्मार्ट टैब पर गेमिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। एक तो स्क्रीन काफ़ी अच्छी है जिसके कारण से गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, हैंग बिल्कुल भी नहीं करता गेम खेलते वक्त। जबकि ये जो गेम है सबवे सर्फर, इसके ऊपर कई फ़ोन जो हैं इसको खेलते वक्त काफ़ी हैंग करते हैं, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। कार्बन स्मार्ट टैब का 3G सेंसर, रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन और डुअल कोर प्रोसेसर ने गेम को अच्छे से हैंडल किया और मेरे अंदर के गेमर का दिल बाग बाग हो गया। ऑफिस के बाद इट्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की बात करें तो कार्बन स्मार्ट टैब सबसे ज्यादा नंबर कमाता है इन तीनों ही टैबलेट्स में। बढ़िया स्क्रीन है, बढ़िया कलर्स आते हैं स्क्रीन के ऊपर, बस मेन एंगल की थोड़ी बहुत परेशानी है पर ठीक है। और सबसे बढ़िया बात इस टैबलेट की ये है, इसका साउंड जो है एकदम जबरदस्त है। ओवरऑल बैड विंग एंगल्स को छोड़कर कार्बन स्मार्ट टैब में कमी निकालने को ज्यादा कुछ नहीं। अच्छी टच स्क्रीन, बेहतरीन यूआई, बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस, दमदार साउंड और 4500 mAh की तगड़ी बैटरी लाइफ जो दिन खत्म होने पर भी करीब 30% बची हुई है। Well, अभिषेक के इस महा रिव्यू से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि कार्बन हैज रियली गॉट इट्स एक्ट टुगेदर डिजाइन के मामले में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन के मामले में, और जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये चीज दे रहे हैं 7000 रुपए में 8 इंच का टैबलेट, माय गॉड। पर महंगाई मुक्ति मोर्चा खत्म नहीं होने वाला है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे 2000 से भी कम प्राइस टैग वाले मोबाइल फोन्स और साथ में मेरी फेवरेट कैटेगरी बेस्ट डिजी कैम्स अंडर 5000 रुपीज। कम राइट बैक। चिदंबरम साहब ने टेक गुरु की टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी चुनौती पेश कर दी थी जब बजट में उन्होंने कहा कि 2000 रुपए से महंगे जो फोन्स हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी मौजूदा 1% से बढ़ाकर 6% की जाएगी, यानी कि 2000 रुपए का फोन अब 2000 रुपए का नहीं रहेगा। विच इज वाई वी वेंट आउट इन द मार्केट टू फाइंड आउट कौन से है वो दो बेस्ट फोन्स 2000 से कम में, एंड हियर इज अ पिक माइक्रोमैक्स और कार्बन के फोन्स। ये है माइक्रोमैक्स X1i एक्स्ट्रा, सिर्फ 1500 रुपए की कीमत वाला ये डुअल सिम फोन कैंडी बार डिजाइन में आता है। इनपुट के लिए अच्छा अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है और 2.3 इंच की TFT स्क्रीन है। GPRS इनेबल्ड इस फोन में एंटरटेनमेंट के लिए FM रेडियो विद रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स हैं। पर माइक्रोमैक्स X1i एक्स्ट्रा की सबसे बड़ी USP इसकी तगड़ी बैटरी लाइफ है जो आपका साथ 2 से 3 दिन तो आराम से देगी। इसके अलावा इस फोन में ई-बुक रीडर, मोबाइल ट्रैकर, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। अब एक नजर कार्बन के 451 प्लस पर डालिए। 1600 रुपए का ये डुअल सिम फोन काफी स्टाइलिश दिखता है। इस GPRS इनेबल्ड फोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी दमदार साउंड क्वालिटी है जिससे आप FM रेडियो विद रिकॉर्डिंग फीचर का अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। कैंडी बार डिजाइन वाले इस फोन में 2.4 इंच की स्क्रीन और अल्फा न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 1.3 मेगापिक्सल कैमरा भी है। इस फोन में 8GB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर महंगाई की मार से बचना है तो इन दोनों फोन्स में से किसी भी एक को आप चुन सकते हैं। अंकित, स्मार्टफोन्स काफी स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनका कैमरा बेहतरीन होता जा रहा है और कई लोग ये कहते हैं कि अब डिजी कैम्स जो है ना उनकी तो डेथ हो गई है, कोई नहीं खरीदने वाला। पर हम ऐसे 5000 से कम प्राइस टैग वाले दो ऐसे डिजी कैम्स ढूंढ कर लाए जो वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा फोन भले ही कितना हल्ला मचाए पर डिजी कैम्स की इमेज क्वालिटी से टक्कर लेने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, वो भी 5000 रुपए के प्राइस टैग में। ये है निकॉन कूलपिक्स L27, दाम है 5000 से भी कम और इसमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर 5x ऑप्टिकल जूम के साथ। आप चाहे तो इस हैंडी डिजी कैम से HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। AA बैटरी पर चलने वाले 5 रंगों में आने वाले इस डिजी कैम को आप 4800 रुपए में खरीद सकते हैं। पर अगर आपको सस्ता डिजी कैम चाहिए तो ओलंपस VG150 से बेहतर ऑप्शन आपको और कोई नहीं मिलेगा।
दो रंगों में आने वाला ये डिजिकैम 12 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर और 4x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। 2.7 इंच की LCD स्क्रीन से जहां आप अच्छी फ्रेम्स कंपोज कर सकते हैं, वहीं 1600 ISO सेंसिटिविटी आपको कम रोशनी में भी फोटो खींचने की सहूलियत देगी। लिथियम ईऑन बैटरी पर चलने वाले इस कैमरे को आप 4000 रुपए में खरीद सकते हैं। टेक गुरु का ये महंगाई मुक्ति मोर्चा आपको कैसा लगा, प्लीज डू टेल अस यार। हम इतनी मेहनत इतनी मशक्कत से आपके लिए जो गैजेट्स छान कर खोज कर निकाल कर ले आते हैं, व्हाट यू फील अबाउट इट, facebook.com/techguru आवाज पर जाके बताइए। एंड गेट रेडी अगले हफ्ते के महायुद्ध महासंग्राम महाभारत के लिए। अंकित जो कहना चाह रहा है वो ये कि सोनी एक्सपीरिया जेड, HTC बटरफ्लाई, लुमिया 920 एंड ब्लैकबेरी Z10, इन चार फोन्स के बीच में एक महा मुकाबला होने वाला है अगले हफ्ते। टू फाइंड आउट विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन जब साल के पहले 3 महीने बीत चुके हैं, द मोस्ट डेफिनेटिव स्मार्टफोन बैटल होगा सिर्फ टेक गुरु पर अगले हफ्ते। और जी हाँ, पैसे भी थोड़े से जमा करने शुरू कर दीजिएगा। ये सारे ही स्मार्टफोन वो 2000 से कम की प्राइस कैटेगरी में नहीं, 30,000 से ऊपर की प्राइस कैटेगरी में आएंगे। एब्सोल्युटली। सो डू फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, youtube.com/techguru आवाज पे जाके यू कैन गो चेक आउट आवर वीडियोस वंस अगेन। एंड अगले हफ्ते मिलेंगे फिर, तब तक स्टे कनेक्टेड।